हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकॉम्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एसबीआई मेंस 2018 के लिए प्री का एग्जाम। जिन बच्चों ने दिया हुआ है मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, और उसी के रास्ते में सबसे पहली अड़चन आती है जनरल अवेयरनेस। तो हम जनरल अवेयरनेस के पूरे टॉपिक्स कराएंगे, करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और करंट अफेयर्स के ऐसे ही 40 प्लस की सीरीज के हम कम से कम 10 सेट करेंगे, जिसके अंदर हम 400 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और वो उतने करंट अफेयर्स काफी होंगे आपके एसबीआई मेंस एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ हम जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होगा उसको भी हम पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स और फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बाय एनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स Conference was inaugurated by Defense Minister Nirmala Sitharaman at Air Headquarters in New Delhi. तो नई दिल्ली के अंदर ये conference organize की गई है। First bi-annual Indian Air Force conference है ये commanders की। इसका inauguration किसने किया है? हमारे Defense Minister Nirmala Sitharaman ने। चलते हैं question number second पे। So students, next question है, Andhra Pradesh gets its own symbols. अपने खुद के सिंबल्स मिल रहे हैं आंध्र प्रदेश को, जैसे कि नीम को बना दिया गया है वहां की स्टेट ट्री, और वहीं ब्लैक बग यानी जो काला हिरन है उसे बना दिया गया है वहां का स्टेट एनिमल। तो याद रखिएगा, नीम और ब्लैक बग को आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री और स्टेट एनिमल बनाया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, चाहे आपको ऑप्शन दे देंगे बताइए कि किसे बनाया गया है स्टेट ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश, या फिर आपको पूछ लेंगे कि बताइए कौन सा है स्टेट एनिमल आंध्र प्रदेश का, तो आपको याद रखना है नीम और ब्लैक बग। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहां पर बताया गया है द रोज रिंग्ड पैकेट विल बी द स्टेट बर्ड। रोज रिंग पैकेट जो होगा स्टेट बर्ड होगा, और जैस्मिन को बना दिया गया है वहां का स्टेट फ्लावर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा मोटर्स साइंड MOU with Maharashtra to promote e-mobility. तो टाटा मोटर्स ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन किया है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर वो e-mobility को प्रमोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स 2017 से 2018 के बीच में इंडियन इकोनॉमी 7.7% तक ग्रो करेगी। अगर हम बात करते हैं पहले के तीन क्वार्टर की, तो पहले के तीन क्वार्टर के अंदर 5.6, 6.3 और 7% रही है हमारी GDP, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7.7% रहेगी फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और ये डाटा स्टूडेंट्स दिया गया है, रिलीज किया गया है डाटा CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है कि इस बार की जो फोर्थ क्वार्टर की GDP रहेगी वो 7.7% रहेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एन IAS ऑफिसर अमित खरे हैज अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन सुपरवाइजेशन ऑफ नरेंद्र कुमार सिन्हा। तो स्टूडेंट्स अमित खरे को बनाया गया है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। याद रखिएगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एसबीआई के अंदर, तो अमित खरे को बनाया गया है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रिजर अवार्ड जो होता है वो म्यूजिक के लिए दिया जाता है। इस बार जो प्रिजर अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एल्बम डैम के लिए, और ये मिला है केंड्रिक लैमर को। लेमर इज द फर्स्ट रैपर इन द हिस्ट्री टू गिवन दिस अवार्ड। तो स्टूडेंट्स ये अवार्ड पहली बार एक रैपर को दिया गया है जिनका नाम है केंड्रिक लैमर। केंड्रिक लैमर को पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है मेंस के अंदर। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, और उनके द्वारा दिया गया है संतोकोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और ये दिया गया है 2 persons को, एक दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। आप जानते ही होंगे नोबेल प्राइज मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए, और स्पेस साइंटिस्ट हैं AS किरण रामकुमार जो कि चेयरमैन है इसरो के इन सूरत। AS किरण राव और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है ये अवार्ड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। तो याद रखिएगा इन दोनों पर्सन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर विजय गोयल confirmed FICC Smart Policing Award 2018 to police officials of Central Armed Police Force and State Police in New Delhi. तो नई दिल्ली के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को यह अवार्ड दिया गया है जो कि है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2018। ये दिया गया है विजय गोयल द्वारा, स्टेट स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर है जो कि। स्टूडेंट्स
यूनाइटेड स्टेट्स ने रिनेम कर दिया है अपनी ओल्डेस्ट, याद रखिएगा, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मिलिट्री कमांड जो कि है यूएस पैसिफिक कमांड, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम बदल के कर दिया गया है इंडो स्पेसिफिक कमांड। याद रखिएगा, इंडो स्पेसिफिक कमांड कर दिया गया है यूएस स्पेसिफिक कमांड के नाम को। और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैरिट्स के द्वारा न्यूज बताई गई है कि इस नाम को चेंज कर दिया गया है, अब यूएस पैसिफिक कमांड जाना जाएगा इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन द एसेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मणिपुर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, कंट्री की यानी कि भारत की जो पहली नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वो कहां बन रही है, तो वो बन रही है मणिपुर के अंदर, मणिपुर में बन रही है हमारे देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी, याद रखिएगा, पहले तो ये याद रखिए कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, वो है मेनका गांधी। और तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है उन्होंने फाउंडेशन रखी है इंडिया फर्स्ट एडवांस डीएनए फॉरेंसिक लैब जो कि एस्टैब्लिश हुई है चंडीगढ़ के अंदर, इंडिया की पहली एडवांस डीएनए फॉरेंसिक लैब जो कि चंडीगढ़ में एस्टैब्लिश हुई है उसका फाउंडेशन किया है मेनका गांधी। और मेनका गांधी कौन है, वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है मेनका गांधी और उन्होंने फाउंडेशन रखा है इंडियन फर्स्ट एडवांस डीएनए फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो कि है चंडीगढ़ के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि है सेवा बोध योजना। अब इस योजना का काम क्या है, ये योजना एक्चुअली में रिमबर्स करने के लिए बनाई गई है सेंट्रल के शेयर को जो सीजीएसटी है और आईजीएसटी है जो कि आइटम्स के ऊपर लगता है जैसे फूड प्रसाद लंगर या फिर भंडारे के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बांटते हैं उनके ऊपर जो लगता है उसी चीज को यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने के लिए स्कीम बनाई गई है जो कि है सेवा बोध योजना। और इसे लॉन्च कौन कर रहा है, इसे लॉन्च कर रही है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक और स्टूडेंट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्यूस पे कॉन्टे ने अब शपथ ली है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इटली के नए प्राइम मिनिस्टर है ड्यूस पे कॉन्टे, इनका नाम याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एसबीआई के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन। इंडिया सिंगापुर एक्सचेंज 8 की एग्रीमेंट्स, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में 8 एग्रीमेंट साइन हुए अभी हाल ही में, जो दौरा हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच में 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया है सिविलियन, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उसे दिया गया है सिंगापुरियन डिप्लोमेट टॉमी को को। टॉमी को यह अवार्ड दिया गया है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है पद्मश्री अवार्ड, और को जो है वो 10 एशियन रिसिप्ट में से एक है जो कि प्रेस्टीजियस अवार्ड को पा चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स टोटल 12 टीम्स खेलती हैं जो कि वेल नोन टीम है आईसीसी के अंदर। अगर मैं बात करता हूं ओडीआईज में, आईसीसी ने 4 और नई टीमों को इंक्लूड किया है इसके अंदर, नेपाल नीदरलैंड स्कॉटलैंड और यूएई, और इनको इंक्लूड कर लिया है। इसके साथ साथ 12 जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं वो तो हैं ही, ये 4 नई कंट्रीज यहां पर इंक्लूड हुई हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट। सो SFDR जो एक प्रोपल्सन बेस्ड मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कर लिया है भारत ने, और मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, तो इसका सफल परीक्षण हो चुका है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रैंक 113 ऑन चाइल्डहुड इंडेक्स। इंडिया की रैंक 113 है चाइल्डहुड इंडेक्स में, और ये रैंक स्टूडेंट्स 175 कंट्रीज के अंदर है, 175 कंट्रीज में हमारा देश 113 पे लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्डहुड यानी बचपन की जो हालत है बच्चों की वो काफी खराब है। यहाँ देखिए चाइल्डहुड इंडेक्स जो होता है वो किसके ऊपर नापा जाता है, वो नापा जाता है पुअर हेल्थ माल न्यूट्रिशन चाइल्ड लेबर चाइल्ड मैरिज और ऐसे ही फैक्ट्स के ऊपर। चाइल्ड मैरिज इंडिया के अंदर वैसे कम हुई है, पहले 21.1% थी अब 15.2% हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं 113 नंबर पे आता है चाइल्डहुड इंडेक्स पे, बस इतना याद रखिएगा यही एग्जाम में आएगा कि इंडिया की रैंक क्या होगी चाइल्डहुड इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है स्टूडेंट्स न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे कहा गया है
द गोफेन 6, और मेनली इसका जो यूज है वो है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को रिसर्च करने के लिए और डिजास्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए। तो इनके दो काम है, एग्रीकल्चर रिसोर्स रिसर्च एंड डिजास्टर मॉनिटरिंग। और इसका नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द गोफेन 6 न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश सोशलिस्ट पेड्रो सैंचेज हैज बीन स्वॉन एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स, स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं पेड्रो सैंचेज। याद रखिएगा, एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, और इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं फ्रांस के, और इन्हें बनाया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय किंग फिलिप। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है मरीनो रेजोय को। याद रखिएगा, मरीनो रेजोय को रिप्लेस करके पेड्रो सैंचेज बने हैं इस बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। नाउ स्टूडेंट्स, इजिप्ट के अंदर नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब्देल फेटह एल सीसी, और इन्हें सेकेंड टाइम चुना गया है। 97% इन्होंने वोट गेन किए मार्च में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, और इन्हें चुन लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। याद रखिएगा, इनका नाम थोड़ा सा नाम अजीब है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं। अब्देल फतेह एल सीसी, इन्होंने शपथ ली है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। टिमोथी पेरियर, इनकी डेथ हो गई स्टूडेंट्स, ये 75 की एज के थे और ये रिप्रेजेंट करते थे टाटा एफसी को। ये एक फॉर्मर फुटबॉल इंटरनेशनल है और ये टाटा एफसी को रिप्रेजेंट करते थे। 75 इयर्स की एज पे इनकी डेथ हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा, टिमोथी पेरियर। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने टेस्ट फायर सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अपने न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसबीआई के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो याद रखिएगा कि इंडिया ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, और ये सफल परीक्षण कौन से कोस्ट से हुआ है, ये हुआ है अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट। अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी लिमिटेड ने अडॉप्ट कर लिया है आइकॉनिक चार मीनार इन हैदराबाद अंडर द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्टूडेंट, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर एनटीपीसी ने अडॉप्ट किया है चार मीनार को, और चार मीनार को वो स्वच्छ बनाएंगे और सेंट्रल स्वच्छ भारत मिशन में एक अपना सहयोग देंगे। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी ने किसको अडॉप्ट किया है, उन्होंने किया है चार मीनार जो कि स्थित है हैदराबाद के अंदर, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोजेक्ट इन ऑफ इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, 3 जून 2018 को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। स्टूडेंट्स, मेनली तीन जगह पर ये यहाँ मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। पहला है बर्लिन, दूसरा है न्यूयॉर्क और तीसरा है न्यू दिल्ली। गर्व की बात है स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने यहाँ पर फ्लैग होस्ट किया, और उसके बाद मेगा साइकिलिंग इवेंट किया गया नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट न्यूज, एमिनेंट साइंटिस्ट एस क्रिस्टोफर हैज कंप्लीटेड हिज टर्म एज चीफ ऑफ डीआरडीओ एंड डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट। एस क्रिस्टोफर ने डीआरडीओ के चीफ के पद से रिजाइन कर दिया है और उनके पदभार को अब संभाला है संजय मित्रा ने। याद रखिएगा, संजय मित्रा अब नए हैं डीआरडीओ के चीफ। डीआरडीओ के चीफ पहले कौन थे, पहले थे एमिनेंट साइंटिस्ट एस क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर को हटा के अब कौन बना है, संजय मित्रा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कैगिसो रबाडा जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं, इन्हें बना दिया गया है साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, तो स्टूडेंट्स हाल ही में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और कुछ डेज भी याद रखिएगा, जैसे 21st ऑफ जून है वर्ल्ड योगा डे। इस बार जो योगा मनाया गया है वो है फोर्थ योगा डे मनाया गया है इस बार, और जिसकी थीम थी योगा फॉर पीस। तो योगा फॉर पीस इस बार की थीम थी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया था, 5 जून को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, कृषि कल्याण अभियान। अब कृषि कल्याण अभियान का जो मेनली
बेनिफिट होगा, ये फार्मर्स के लिए है, ये फार्मर्स इन विच सेलेक्टेड विलेज विल बी गिवन असिस्टेंस एंड एडवाइस ऑन द वे ऑफ इंप्रूविंग फार्मिंग टेक्निक्स एंड रेज देयर इनकम्स। सो कृषि कल्याण अभियान के अंदर फार्मर्स जिनके विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा उनको स्पेशल टेक्निक सिखाई जाएगी जिससे वो अपने फार्मिंग को और इम्प्रूव कर सके, फसलों को और ज्यादा पैदावार ले सके और अपनी इनकम को भी बढ़ा सके। तो इस स्कीम को याद रखिएगा, कृषि कल्याण अभियान। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एम के जैन सेंटर ने अपॉइंट किया है एम के जैन को। पहले एम के जैन है कौन याद रखिएगा, एम के जैन मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है आईडीबीआई बैंक के, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर एम के जैन को अपॉइंट किया गया है, और जैन 2017 से जो खाली पड़ी है सीट उसे फिल करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एसएस मुंद्रा। एसएस मुंद्रा का रिटायरमेंट हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली थी और अब उसे फिल कर रहे हैं डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट को एम के जैन, जो कि सीईओ और डायरेक्टर है आईडीबीआई बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रेपो रेट इंक्रीज हो गई है 25 बीपीएस, और ये है सेकेंड बाई मंथल मॉनिटरिंग पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा 25 बीपीएस इंक्रीज हुई है रेपो रेट। पॉलिथीन को बैन कर दिया गया है उत्तराखंड के अंदर, और 31 जुलाई से स्टूडेंट्स 31 जुलाई से पूरी तरीके से पॉलिथीन बैन होगी उत्तराखंड में। इन नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पावर बिल वेवर स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने यह बताया है कि बिजली बिल माफी योजना 2018 के अंदर 77 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, और इसके अंदर जो उनके बिजली के बिल है उन्हें माफ किया जाएगा, और ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश द्वारा, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और स्कीम का नाम है बिजली बिल माफी योजना। नेक्स्ट न्यूज, 2 दिवसीय 49th कॉन्फ्रेंस हुई है गवर्नर्स की नई दिल्ली के अंदर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसके ऊपर सीधे सीधे ऐसे आएगा कि बताइए 49th कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स कहां पर हुई है। ये हुई है नई दिल्ली के अंदर, और इसमें बात की गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेथड्स को अडॉप्ट करने की। तो यहाँ अगर बात करते हैं कि इस मीटिंग का थीम क्या रहा, तो वो रहा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स अडॉप्टिंग। विराट कोहली स्टूडेंट्स, इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली को वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स में गिना जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स। फोर्ब्स के अनुसार विराट कोहली इस समय वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से एक है। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ने भी लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च करने के साथ साथ ये देखिए यहाँ पर इसका पूरा यूआरएल है rti.eci.nic.in रहेगा इसका, और यहाँ पर आके आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं इलेक्शन कमीशन से। तो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिकॉर्ड्स 22% रिडक्शन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो सिंस 2011। तो 22% रिडक्शन हुआ है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो के अंदर इंडिया में। आईआईटी बॉम्बे ने रिप्लेस कर दिया है आईआईटी दिल्ली को। स्टूडेंट्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंक आईआईटी दिल्ली के पास थी, लेकिन अब आईआईटी बॉम्बे ने रिप्लेस कर दिया है आईआईटी दिल्ली को, और अब आईआईटी बॉम्बे है इंडिया बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी। एफडीआई के अंदर कमी आई है भारत के अंदर। यहाँ पर देखिए न्यूज क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया डिक्रीज टू $40 बिलियन, लास्ट ईयर वॉज $44 बिलियन। तो आप देख रहे हैं पिछले साल ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये 44 थी, लेकिन इस साल ये इन्वेस्टमेंट घट के हो गई है 40। तो $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, ये $4 बिलियन का लॉस हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट कम की गई है एफडीआई के अंदर। तो इस बार $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है एफडीआई में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन अ मेजर स्टेप पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। अपने राज्य के अंदर बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए और बिजनेस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और इसको रिवील किया है इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर श्याम अरोड़ा ने जालंधर के अंदर। जालंधर के अंदर ये लॉन्च हुआ है बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। नाउ स्टूडेंट्स,
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सेमेस्टर सिस्टम को खत्म कर देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सेमेस्टर सिस्टम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 3 ईयर का कोई भी यूजी कोर्स होता है उसके अंदर हर एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है हिमाचल गवर्नमेंट। और हिमाचल प्रदेश के सीएम द्वारा ये बात बताई गई है कि जल्द ही वो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं और सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल के साथ बने रहिए और बाकी वीडियोस को भी सपोर्ट दिखाइए ताकि हम और कंटेंट बना सकें। अच्छा, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।